हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम बात करेंगे IIM कलकत्ता के सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं कैट 2020 में 99.93% आया हूँ, जिसमें मेरा QA में 99.96 और DILR में 99.77। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। एक हम 10 जनवरी से फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपकी GDPI प्रिपरेशन के लिए, और जो कि बिल्कुल फ्री होगा, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं IIM कलकत्ता के बारे में। तो देखो, इसमें अलग क्या है बाकी 20 स्कूल से? तो पहली चीज है, ये फाइनेंस कैपिटल कहलाता है। मतलब कि IIM कलकत्ता का फाइनेंस सबसे अच्छा है। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में ही जाना है तो आप IIM कलकत्ता ही चूज करें। सेकंड थिंग इज जॉब का स्प्रेड। आप IIM कलकत्ता के स्टूडेंट या एल्यूमनी से बात करेंगे, वो आपको इस चीज के बारे में जरूर बताएगा। एंड थर्ड थिंग इज फ्री विल कल्चर। देखो, IIM कलकत्ता के जो प्रोफेसर हैं, वो समझते हैं कि आप एडल्ट हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अटेंडेंस रूल नहीं है और कोई भी बाउंडेशन नहीं। इसके अलावा IIM कलकत्ता का कैंपस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि कैंपस के अंदर ही 7 लेक्स हैं, जिन पे कि वुडन पोर्ट्स भी बने हुए हैं। नेक्स्ट थिंग आती है प्लेसमेंट। तो देखो, IIM कलकत्ता का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एवरेज इस साल 27.8 LPA और मैक्सिमम जो है 80 लाख पर एनम तक भी गया है। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी मिनिमम कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड। तो देखो, अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपका जनरल कैटेगरी से है तो टोटल 85, और सेक्शनल QA के लिए 75, बाकी दोनों सेक्शन के लिए 80, ना अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरीज के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं मिनिमम कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर आपका 85+ है तो जरूरी नहीं है आपको कॉल आ जाए, बट एटलीस्ट इतना तो चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है PI शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। देखो, कैट 2020 स्कोर को 56% वेटेज है, क्लास 10th मार्क्स को 10%, 12th मार्क्स को 15% एंड सो ऑन। जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर भी है इनिशियल कॉल में, मतलब PI शॉर्टलिस्टिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग आती है, जो पॉइंट्स मिलेंगे 10th और 12th के मार्क्स पे, वो कैसे मिलेंगे? तो देखो, अगर आपका 80% प्लस है तो 10 पॉइंट आपको 10th मार्क्स में मिलेंगे, और 80% प्लस अगर 12th में है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपका 81 भी है या फिर 99 है, वो सेम पड़ेगा। तो जिन बच्चों का 80s में है, 90s में नहीं है, तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, और बाकी परसेंटेज के लिए भी सेम पॉइंट्स क्राइटेरिया। सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन मार्क्स के लिए, तो देखो, ग्रेजुएशन में अगर आपका 60+ है तो आपको 15 पॉइंट डायरेक्टली अवार्ड होंगे। तो जिन बच्चों का कम था, लाइक 60s या 70s में था, उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की। देखो, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैट स्कोर का जो वेटेज है वो केवल 30% है, और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 48% है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो यहाँ पे PI है आपका। इसके अलावा नॉन इंजीनियर होने के लिए आपको 4% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, और वर्क एक्सपीरियंस के लिए 8%। वर्क एक्सपीरियंस जो होगा उसके लिए पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपका लेस देन 12 मंथ्स है वर्क एक्सपीरियंस तो कोई पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट है। बट आपका 31 to 36 मंथ्स है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, एंड उससे कम है तो फिर आपके पॉइंट कम होते जाएंगे, एंड 36 से ज्यादा है तो भी फिर 8 से पॉइंट कम होते जाएंगे। तो ये आपका हो गया IIM कलकत्ता का सिलेक्शन प्रोसीजर। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, 10 जनवरी से फ्री GDPI प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आए तो पता चल जाए। ओके, थैंक यू गाइस।